वेलकम टू हैदराबाद सर। अखबार में मेरा फोटो कितना मस्त है ना सर। मैंने आपकी फाइल देखी है सर, 6 ट्रांसफर्स, 4 प्रमोशंस और 37 एनकाउंटर। आपके अंडर में काम करने के लिए मेरी टोपी पर लगे 3 शेरों पर गर्व नहीं है मुझे, बल्कि आपके साथ 24 घंटे गर्व के साथ घूमना है। सिटी में ट्रैफिक कुछ ज्यादा है सर। तब तो क्रिमिनल्स भी ज्यादा होंगे। समझ गया सर, अपने शहर का क्रिमिनल हेड पप्पू है। पप्पू यहां मरने के लिए ही काम करते हैं। तुम मुझे कीमत दोगे या मरोगे? दे दो, मैं लाके दे दो। भैया सुनो, मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है वो मेरी हो जाती है। अब ये फैक्ट्री मेरी है, समझ गए? बायोडाटा तो अच्छा है, मगर इसका बॉस तो बैकग्राउंड में छुपा है। ये तो सिर्फ इस शहर में अपना राज चलाता है, नेशनल लेवल पे जिसका सपोर्ट है वो है दादा। ये है मदन, दादा का होल एंड सोल। ये है बब्बर, दादा का राइट हैंड। ये दादा का छोटा भाई, अगर दादा गन निकालता है तो ये उसमें बुलेट डालता है। और ये है दादा, पूरा का पूरा वन मैन शो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, कैसिनोज, मनी लॉन्ड्रिंग, वेपन्स और जितने भी इलीगल बिजनेस है ये सब करता है। जो भी इसके खिलाफ जाता है ये उसे मौत के घाट उतारता है। अब मैं आपके बारे में सब कुछ समझ गया सर। आप इस पप्पू से एनकाउंटर शुरू करके उस दादा को फिनिश करोगे, am I right sir? Cool, cool. इस स्टार को देखकर इतना ज्यादा उछलो मत। सिंसियरली ड्यूटी करोगे तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और अगर सिंसियर होने का ढोंग करोगे तो प्रमोशंस मिलेंगे। सर, हम उन क्रिमिनल्स को मारेंगे या नहीं? उनकी मौत तो पक्की है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी हो। इस पप्पू का खाता बंद करने के लिए बुलेट की नहीं मिसाइल की जरूरत है, और वो मिसाइल कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। ये 5th फ्लोर और 6th फ्लोर की कनेक्टिविटी कैसे? गुड मॉर्निंग राव भाई, क्या हाल चाल है? गौतम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, बहुत अच्छा। इस फील्ड में तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा नाम है। आप कौन है? भरत कंस्ट्रक्शन, भरत राजपूत। पिछले महीने आप ही की बनाई हुई ब्रिज टूटी थी ना? न्यूज में आया 2 करोड़, मुझे फायदा हुआ 22 करोड़ का। आप यहाँ क्यों हैं? कोई खास बात नहीं है, सीमेंट का दाम बहुत बढ़ गया है ना, तो मैंने सीमेंट की जगह पर मिट्टी मिला दी, और मेरी बदनामी की वजह से एक भी फ्लैट नहीं बिका। मैं समझा नहीं। अगर इस पर साइन करोगे तो मेरे कंस्ट्रक्शन के साथ गौतम का बोर्ड लगा दूंगा और फ्लैट आसानी से बिक जाएगा, बस इतना ही चाहता हूँ। बड़ी आसानी से साइन कर दिए, मुझे लग रहा था कि बंदूक दिखाकर साइन करवाना पड़ेगा, इसने बड़ी आसानी से साइन कर दिया यार। आप में यही तो खासियत है। सुनो, साइन तो आसानी से हो गया, लेकिन पेपर बाहर लेकर जाना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे? पेपर गेट के बाहर लेकर चले जाओ तो तुम्हारा हो गया। गेट या स्टेट? गेट पार कर लोगे तो स्टेट भी पार कर लोगे, समझ? दोबारा कह रहा हूँ, गेट। गेट खोल रहे, तुझे बोल रहा हूँ रे, गेट खोल। अरे
दे इसे। कौन है ये लोग जो गौतम से मार खा रहे हैं? वो बिल्डर भरत राजपूत है। शेर और सुनामी देखने के बाद ये पूछना कि हु आर यू हाउ आर यू तो बहुत ही आसान जवाब मिलेगा, समझ गए? चलो निकलो। चलो निकलो का क्या मतलब है? मैं पेपर के साथ ही बाहर जाऊंगा, समझ गया ना? पेपर्स पर साइन करा लिया, चलो वो भी ठीक था, पर उसे बाहर ले जाने की गलती मत करना वरना तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सिगरेट दे रहे चलो रे। मुझे फिर क्यों मारा? अब क्या गलती की जो मारा तूने? धूम्रपान करना और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरी सिगरेट, मेरा लाइटर, मेरे फेफड़े, तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना गलत है, हाँ या ना? गलत है या नहीं? ये विज्ञापन तो हम पूरे टीवी में देखते, तूने पूरे देश की जिम्मेदारी ली है क्या? अपने मर्जी से मारना शुरू कर दिया। किसको? इनको। इसको? क्या बॉस, आप समझे नहीं क्या? ये सिगरेट के लिए नहीं, ये पेपर के लिए मार रहा है। ये बहुत खतरनाक है, इसके दिमाग में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलता है। एकदम सही कहा, मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, मेरे दिमाग में कुछ और होता है मगर मैं बोलता कुछ और, समझ गए? तो अब क्या करूं? मैं समझ गया भाई। शर्मा रहे, शर्म तो हमें आनी चाहिए। थू इसकी मां का साकी ना कर। क्या पागलपन है। बस प्रैक्टिस खत्म। यजमान, दुनिया में शादी की प्रैक्टिस करने वाले पहले इंसान आप हैं। पंडित, मार डालूंगा, तुम्हारे बॉडी का एक भी पार्ट नहीं मिलेगा। शादी का मतलब है दुल्हन का हाथ धीरे से पकड़ना, गले में मंगलसूत्र पहनाना, उसकी मांग में सिंदूर भरना,
इट्स अ फीलिंग। भाई वो सीढ़ी भी मंगा ले क्या, जिससे आपकी स्वागत की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाप रे। अरे यार हाँ? वो लड़की दूसरे से प्यार करती है जानते हुए भी भाई उससे शादी करना चाहते हैं। पता मुझे शक है ये शादी होगी या नहीं। मांगल्य देवता ये नमः, प्रार्थन पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। सुनिए मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को लेकर आइए। देखो दुल्हन बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी लग रही है। अरे ये क्या, ये कौन है भाई? वो मेरी दुल्हन भगा कर नहीं ले गया, इज्जत की वाट लगा दी, पकड़ो उसे। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। बंदूक नीचे। सीता की शादी राम के साथ हुई थी, ये पूरी दुनिया जानती है, और मैं यहाँ का रावण हूँ। इस आदमी को पहचान लो, मुझे इसे मारना है, उसके बाद ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। और जब तक मैं जिंदा हूँ ये बदनामी मुझे दिन रात सताती रहेगी। तुमसे बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत टॉर्चर करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। तुमने मेरी बेइज्जती की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, तुम मरते दम तक मुझे याद रखोगे। क्या चैलेंज किया तुमने मुझे पप्पू। गलती से भी अगर तुमने मुझे छुआ ना तो कोमा में चले जाओगे, और अगर तुमने मेरी फैमिली को टच किया ना तो तुझे अर्थी पर लेटाऊंगा। पर अगर तूने मेरे दिल को टच कर दिया ना तो बात बनेगी, जिंदगी भर याद रखूंगा तुझे। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है, जो लड़की किसी और से प्यार करती है तुम उससे शादी करना चाहते हो, और जिस लड़की से तू प्यार करता है उससे अगर मैंने शादी कर ली तो तू क्या कर लेगा उल्लू के पट्टे? अपने मुंह का वॉल्यूम मत बढ़ा वरना स्पीकर फोड़ डालूंगा। देख लूंगा तुझे। तू सिर्फ देख सकता है, मुझे रोक नहीं सकता। याद रख ले, अपनी मेमोरी में सेव कर ले। मेरी मेमोरी में जगह नहीं है, तू ही अपनी मेमोरी में सेव कर लेना, उसमें वायरस कब डाल दूंगा पता ही नहीं चलेगा। चल निकाल। वाह क्या डायलॉग मारा। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने ही पहली बार वन ऑफ द बेस्ट चैलेंज है। तू जिंदगी में जिस लड़की से प्यार करेगा तेरी उस लड़की से ये शादी करेगा, और ये तेरी वो हालत करेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। ये तो एक फूल दो माली वाली बात हो गई। वाह मैं तो तेरा बहुत बड़ा फैन हो गया। मेरी भी लाइफ पूरी तेरे जैसी ही है, ऐसा आदमी कभी टकराया नहीं और तेरे जैसा आइडिया आया नहीं, कमाल के हो भाई तू। भगवान फैसले के लिए इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ कम हो गया, अब जीरो साइज की तरफ बढ़ूंगी। 50 कमेंट्स एंड 100 लाइक्स। यस डैडी सेल्फी। दीदी ओह जीजा
पिताजी सेल्फी। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग। सेल्फी। मेरी बेटी भी कमाल की है, बाहर फोटोग्राफी करती है और घर में सेल्फी लेती है। आखिर तुम्हारा गोल क्या है? शाहरुख खान फिल्मों में एक्टिंग करता है और आईपीएल टीम भी मेंटेन करता है। आमिर खान हीरो भी है और बिजनेसमैन भी, और शत्रुघ्न सिन्हा हीरो और पॉलिटिशियन भी। तो मेरा भी ऐसा ही है, सेल्फी मेरी हॉबी और फोटोग्राफी मेरा पैशन। ओके कम ऑन कम ऑन निखिल, स्माइल। तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? Today's Nandu's Day. मेरे फोटोग्राफ्स के लिए प्राइजेस मिलेंगे। रहने दो, जब से कैमरा लिया है मैं यहीं सुन रही हूँ। लेकिन आज का दिन खास है, आज मुझे प्राइज जरूर मिलेगा। इतनी अच्छी फोटो है क्या? Never before, never after. Welcome to 26th anniversary of National Photographers Club. This year, Best Photographer Award goes to Miss Nandini. Congrats. Thank you, sir. Wow. One selfie. Wow. Exciting. ये प्राइज तुम्हें किस फोटो के लिए मिला? दिखने में कैसा है? मैनली है या तुम्हारे पापा जैसा है? अच्छा दिखता है या तेरे जीजा जैसा दिखता है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। क्या कहा? नहीं देखा उसे? वो तो उधर मिस हो गया, लेकिन लाइफ में मिस नहीं होगा। मैंने तो तय कर लिया है, जिस हाथ ने वो फ्लैग पकड़ा था उस हाथ को मैं लाइफ लॉन्ग पकड़ूंगी। बैंक बैलेंस देखकर प्यार करने वाले इस जमाने में तुम हाथ देखकर प्यार करने लगी? मैंने उससे प्यार उसका हाथ देखकर नहीं किया, उसके दिल में हमारे देश के फ्लैग के प्रति रिस्पेक्ट और देशभक्ति के लिए किया है। उसके लाइफ में आने से पहले ये प्राइज मिल गया, आएगा तो क्या होगा? चलो ना जाकर उसे ढूंढते हैं। उसे कहाँ ढूंढोगी और कैसे ढूंढोगी? ढूंढ लूंगी। उसका नाम गौतम है। हे गौतम, वेयर आर यू मैन? भाई मैंने देखा ये लड़कियाँ उस गौतम से प्यार करती हैं। ताजमहल गिफ्ट में दिया मतलब उसकी लवर ही होगी। हाँ भाई, कोई लवर ही अपनी प्रेमिका को गिफ्ट दे सकता है? मेरी होने वाली दुल्हन को भगा कर ले गया और वो इतनी लड़कियों से प्यार करता है। ये क्या किया पप्पू भाई? मेरी बाहर वाली को आपने किडनैप कर लिया। आप मुझे कह देते ना, मैं खुद उसे यहाँ लेकर आ जाता। किडनैप पप्पू भाई ने नहीं, फिर उस मोटू ने किया है। क्या रहा मोटू, तेरे अंदर गैस भर कर तुझे पंक्चर कर दूंगा। और तुम किसी के साथ भी चली आओगी, मुझ में कोई कमी है क्या? तुम तो कुछ करते ही नहीं हो जानू, मुझे लगा शायद ये कुछ करेगा। ठीक है ठीक है, इधर चलो मेरे साथ, इज्जत का फालतू मत करो। पप्पू चलता हूँ मैं। हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर श्रीकांत बोल रहा हूँ। कौन है तू? कौन है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को उठाया? अरे बाप रे, ये भी नहीं थी क्या? सरला, सरला, मेरे जिगर के टुकड़े सरला को किसने उठाया बताओ? सर आपने क्या? सर आपको वो लड़की नहीं मिली तो आपने मेरे दिल के टुकड़े मेरी पत्नी को उठा लिया क्या? सर मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, अब मैं किसे मुंह दिखाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ फैन, फैन फैन करके आपने तो मेरे पंखे काट दिए। तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? सच में कुछ किया नहीं ना? ये ले, चल अपन दोनों मस्त पीकर घर में एंजॉय करते हैं। Hey, तुम लोग सबसे पहले चेक करो, कंफर्म करो, उसके बाद किसी लड़की को उठाना। क्या उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी? एक कुमार,
मैंने कभी भी तुम्हें नवर की नजर से नहीं देखा, तुम्हें हमेशा अच्छा दोस्त मानती थी। तुम सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हो, गिफ्ट देने पर लवर समझती हो, आई लव यू बोलने पर फ्रेंड बोलकर निकल जाती हो। मेरी बात मानोगी या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? सब लड़के एक जैसे होते हैं, अगर हाँ बोल दो तो सेलफोन गिफ्ट में देते हैं, और ना बोलो तो सेलफोन के टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देते हैं। हाँ बोलो या ना बोलो, ये कैसा नमूना है? सेलफोन टावर पे खड़ा रहकर सेलफोन गिफ्ट मांग रहा है, सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। चल देखते हैं। चांदनी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहा ना जल्दी से नीचे आओ। हे हे स्मार्ट बॉय, तुमको चांदनी पसंद है, ये नंदनी पसंद नहीं है क्या? तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें गले लगाकर आई लव यू बोलूंगी, ठीक है ना? देर मत करो, जल्दी आओ। डार्लिंग, उधर नहीं इधर हूँ, आओ आओ गले मिलकर आई लव यू बोलो। ए, तू तो गले मिलने वाली थी, गाल लाल क्यों कर रही है? हे, तुम एक लड़की को जबरदस्ती आई लव यू बोलकर उसे मजबूर कर रहे हो और चाहते हो कि वो तुम्हारी धमकी से डर जाए, और अगर बेचारी ने तेरी बात नहीं मानी तो दुनिया के सामने वो गलत हो जाएगी, है ना? उसे बचाने के लिए मैंने ये सब किया। तुम्हें पता लव क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। चीप ट्रिक्स मत करो। सॉरी सिस्टर। कम ऑन, नंदू ने एक बकरे को बचाया। इंप्रेसिव। चार मीनार से लेके शमशाबाग तक ढूंढा, अमीर पेट से लेके अमर पेट तक ढूंढा, हिमायत नगर से लेके हयात नगर तक ढूंढा, लेकिन मुझे गौतम नहीं मिला, वो मुझे कब मिलेगा? शहर का हर मोहल्ला बस स्टॉप पर भी ढूंढा। ओहो बस भी करो, अब ऑर्डर तो दो। ओके सुन, कैपुचिनो पिएगा? ओके, टू कैपुचिनोस प्लीज। थ्री कैपुचिनो। थोड़ा बाजू में हटिए। क्यों बेटा, कॉफी इतनी ठंडी क्यों लग रही है? आपने तो कोल्ड कॉफी का ऑर्डर कोल्ड मेरी नाक में है, लेकिन कॉफी कोल्ड नहीं चाहिए। तो हॉट कॉफी ऑर्डर कर लीजिए। कॉफी गरम चाहिए, गर्मी के मौसम जैसी गरम चाहिए। ओके सर। हे नंदिनी, तुम्हारा गौतम मिल गया। हाँ? जिससे तुमने बिना चेहरा देखे प्यार किया उसके हाथ की फोटो है। कॉफी बहुत गर्म है। देखा ना, मैंने कहा था ना, स्टेप बाय स्टेप मैं उसके और नजदीक आ रही हूँ। डेफिनेटली गौतम मुझे मिलेगा ही, आई एम श्योर। आप ही गौतम है, उसे बता दीजिए ना भैया। मैं जिस लड़की से इम्प्रेस्ड हूँ वो पहले से ही मुझसे प्यार करती है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। मैं उसे सरप्राइज देता हूँ। From Gautam. दीदी, हाय। हाय। दीदी आज 11 बजे JVR पार्क पे गौतम आपसे मिलना चाहता है। थैंक यू, बाय। बाय दीदी। मॉम, आज 11 बजे JVR पार्क पे गौतम से मिलने वाली हूँ। यस। गौतम, ये गौतम होगा तो अच्छा होगा। बहुत
यस, इट्स मी गौतम, गौतम कृष्णा। मेरे दादा का नाम गौतम राजू, पिताजी का नाम गौतम महान, मेरे भाई का नाम गौतम गंभीर, टोटल गौतम ही गौतम, गौतम फैमिली। उस दिन आपने एक फ्लैग पकड़ा था? नहीं, वो मैंने। नो, थैंक गॉड। मैं एक भारतीय हूँ और भारत का झंडा पकड़ना मेरा धर्म है। ये तो झंडे के साइज का है, ये मेरा दामाद बनेगा। छी, नंदिनी की इतनी बुरी चॉइस। छी, दिस इज माय गिफ्ट, टेक दिस, फर्स्ट मीटिंग सेकंड गिफ्ट, आई मीन फर्स्ट गिफ्ट है, चौंकने की जरूरत नहीं, टेक दिस, भरपूर सेल्फी लो, एंजॉय करो। सिर्फ मैं ही बात किए जा रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो, बात करो, टॉक समथिंग यार। अब मैं जाऊं? ओह, मैंने बोला बातें करो तो पूछ रहे हो जाऊं? ऑल राइट, यू कैन गो। ये कैसा पागल था। ए गौतम, फेस पर इतना कंफ्यूजन क्यों है और इतने क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं? तुम्हें जवाब चाहिए। हाँ चाचा। कौन चाचा? मैं लवर बॉय हूँ। लवर बॉय हो या ऑफिस बॉय, मेरी लव स्टोरी में तुमने एंट्री क्यों ली? पता है क्यों? मैं जिस लड़की को भी पसंद करता हूँ मेरी होनी चाहिए। मुझे शॉप में जो भी पसंद है उठा लेता हूँ और जब तक मेरा मन नहीं भर जाता शॉपिंग करता हूँ। किसी का पर्स पसंद आया तो पर्स उठा लेता हूँ, नेकलेस पसंद आया तो नेकलेस उतार लेता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। इजी मनी, क्रेजी थिंग्स, केयर ऑफ एड्रेस। मतलब तुम चोर हो? मतलब तुम चोर हो पूछकर मेरा मजाक उड़ाते हो? ए, कोई चोर नहीं होता। क्या विनोद खन्ना हेरा फेरी में चोर था? क्या अमिताभ बच्चन डॉन में चोर नहीं था? वैसे देखो तो नंदिनी भी चोर है, उसने मेरे दिल को चुराया है। ये चोरी उसने कब की? कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने धंधे पर निकला था कि मैंने देखा कि उसकी चमकती हुई नाभि मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि वो चमकती चीज और नंदिनी दोनों मेरे। क्यों, मैं शाहरुख खान जैसे लवर बॉय नहीं बन सकता? क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? है? जरूर कर सकते हो, लेकिन इस उम्र में बाथरूम में फिसल कर हाथ पैर तुड़वा कर हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो प्यार क्या करोगे? ए, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, अगर तूने नंदिनी की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंखें नोच लूंगा, अगर बात करने की कोशिश की तो जीभ काट दूंगा, और कुछ किया तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बी केयरफुल। इस बुड्ढे को जवान का जोश थोड़ा ज्यादा है, देखते हैं। अरे, जब से हम लोगों ने उसे देखा तो सारा घर हॉस्पिटल बन गया। नहीं, हमें ना वो चाहिए ना उसका कोई गिफ्ट चाहिए। हेलो, हाय नंदिनी, वील मीट एट 7 o'clock, सेवन हिल्स हार्ड रॉक, ओके, बाय जानू। मुझे पब में बुला रहा है। What? हाँ, पब? वो तो दादा की उम्र का लगता है, उसके साथ पब जाओगी? कौन है तू? अगर इसे छुआ ना। ओ, तो सभी के पास गन्स है। अच्छा है। गन्स, गन्स। औरत विदेशी है, तेरी तो कुछ लगती नहीं है ना, तो मारता क्यों है? हा? अरे अंकल, एक इंसान दूसरे इंसान के काम कब आएगा? अरे मैं कुछ बोलूं और तू कुछ बोल रहा है? पहले मेरी बात का जवाब दो। तो बता ना, तू पूछना क्या चाहता है? मान लो मैं वो इंसान, अब इस लड़की को छेड़ने की कोशिश करो। भाई, ये बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है, इसको देख लेते। नहीं,
मत मारो, बोला ना मुझे मत मारो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा कॉलर पकड़ा। अरे ये क्या, गौतम इस जैकेट की बोली लाख रुपए से। मामूली जैकेट का इतना मांग रहे हो? अभी तो बस धुलाई का ट्रेलर दिखा है। जो इस जैकेट को खरीद कर उसे पहन लेगा उसकी जान में बख्श दूंगा, और बाकी लोगों को 2 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख। बोली मत बढ़ाते जाओ, मैं एक ही दाम बोलूंगा। हम सबके पास मिलाकर सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, बांट लो। यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई उसके पैसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय डैड, बाय भैया। भैया मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन किस बात की, खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारना, तभी तुम जीतोगे। ओके भैया, मैं जरूर फाइनल में पहुंचूंगा, और फाइनल में आपको आना ही होगा, और आप भी मुझे कुछ करेंगे। कोच की फिक्र तुम मत करो, फ्लाइट का टाइम हो गया, आप जाओ। मैं बात तो कर लूं पिताजी। चलो आओ, अनाउंसमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके भैया, बाय डैडी, बाय बाय, टेक केयर। हाय डार्लिंग। व्हाट डार्लिंग, व्हाट हैपेंड? अरे 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 अरे, व्हाट हैपेंड? चाचा। हाँ चाचा, अब मैं आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, प्लीज चाचा मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ओके ओके, कर दीजिए चाचा। कूल डाउन। उस दिन इससे परिचय करवाया था ना पब में, विष्णु, विष्णु देशपांडे। फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए इसका हेल्पलाइन है। बताओ प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम। अरे क्या नाम नाम लगा रखा है, चलो जाओ जाओ तो... जाओ यहाँ से, चलो अब जल्दी बताओ, टेंशन में क्यों हो, क्या बात है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है चाचा, जमीन आसमान एक हो जाए या चाहे सागर में पानी सूख जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे गौतम से मिलना है। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ही गौतम हूँ ना। यहाँ पर गौतम कौन है? चाचा कॉल मी एज गौतम सर। अरे अरे क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस? फिंगरप्रिंट मैच हो गए सर, मर्डर इसी ने किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कह रहे हैं, मैंने कब मर्डर किया? वो चाचा मैंने, तुम्हारी करतूत है। हाथ में इतनी बड़ी तलवार लेकर मजदूरों की बस्ती में एक आदमी को दौड़ा दौड़ा कर दिन दहाड़े पूरी पब्लिक के सामने उसके सर को उसके बदन से अलग कर दिया था। उसके गले को कद्दू समझ के काट दिया? अरे उसका सिर था सिर। वो आप तो मेरी आदत जानते हैं ना चाचा, प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किससे इतना प्यार करते हो जो इतना बड़ा रिस्क लिया? मुझे उसके गले की चेन अच्छी लगी। चेन अच्छा लगा? अरे तो गले से चेन छीनना चाहिए था, चेन के लिए गला काट दोगे क्या? मुझे आइडिया ही नहीं आया, आपकी बात सही लगी चाचा, अगली बार मैं वही करूंगा। तेरी तो, मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे। मरने वाले जज थे, जिला कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट जज के बेटा थे, और सुप्रीम कोर्ट जज के जमाई बाबू। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ सर, मेरा नाम विष्णु है, इसका नाम गौतम है, मर्डर इसने किया है सर, उस दिन भी रेस्टोरेंट में इसी ने मारपीट की थी सर, इसे अरेस्ट कर लीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। भाभी भाभी भाभी, हमारी भाभी। मैडम आप लोग कौन हो? लोग कौन है? हम आपके देवर हैं भाभी, पप्पू भाई के छोटे भाई लोग, यानी कि आपके देवर। आप दीप में बैठिए, हमारे घर पर चलिए और हमारे घर में दीप जलाइए, चलिए ना भाभी, चलिए भाभी। पप्पू कौन है? सब रास्ते में बता दूंगा, आप चलिए ना। मैंने इसे फोन करके बुलाया है, अरे अपन का इज्जत का सवाल है यार, उस लड़की को हाथ भी मत लगाना, मेरी हिम्मत और मेरी ताकत यहीं पर बैठी है। सब लोग आपस में लड़ लो, मैं एम्पायर बनूंगा, जो खड़ा रहेगा वो लात खाएगा, जो गिरेगा वो गोबर खाएगा। ये कैसा पागल बेवड़ा है भैया, आपकी नजर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं?
अरे जब देखो मारने चले आते हो, आज क्या बेचने आए हो बताइए? सॉक्स, रुमाल, गंजी, चड्डी, जो चाहिए बोलिए, हम तुरंत खरीद कर यहाँ से चले जाएंगे। तुम ड्यूटी पर हो इसलिए नहीं मारूंगा। तो इस लड़की को ले जाए। लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन भैया? अरे जब देखो तब कंडीशन सामने रख देते हो। देख मोटे, उस लड़की को ले जाएगा तो नहीं मारूंगा। ओके। लेकिन गलती से भी कोई और गलती की तो क्या बात कर रहे हो भैया, हम लोगों को देखने से आपको लगता है कि हम और कोई गलती कर सकते हैं? ए, भाभी को गाड़ी में बैठाओ। इधर देख इधर। क्या भैया, आपने तो कहा था कि भाभी को यहाँ से लेके जाओ, तो क्या गलत काम किया, फिर भी आपने क्यों मारा मुझे? देख मोटे, जब तूने चिल्ला के कहा ना ए, भाभी को गाड़ी में बिठाओ, पता है उसके बाद क्या हुआ था? क्यों रो रही हो, सो जाओ। पता है तेरी वजह से उसकी माँ बेचारी उस लड़की को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रही है, पर वो सो ही नहीं रही है। तो उसे ले जाने से पहले इस लड़की को सुला। मैंने कहीं भी इस तरह का सेटलमेंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अभी सुला दूंगा इसे, हम सब लोग मिलकर इसे सुलाएंगे। आजा बेटी, सो जा मेरी बेटी, तू सो जा मेरी मुन्नी, सो जा मेरी बेटी, ला 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 ला। क्या हुआ भाई, बच्ची को लोरी सुनाकर सुला रहा था? लोरी सुन के बच्ची तो नहीं सोई, पर उसकी माँ सो गई। ये कैसे हो गया भाई, मैं तो बच्ची को सुलाना चाहता था। ओए तुम्हें बच्चों के लिए लोरी गाना नहीं आता है क्या? तुझे आता है क्या? हाँ आता है ना, तो फिर ले सुना। हेलो दादा। अबे बच्ची को लोरी गाकर सुलाने कहा था, तू जोर जोर से देशभक्ति का गाना गा रहा है, वहाँ देख। फैन हूँ मैं तेरा, हीरो तू राम मेरा, तेरे ही नाम मैंने मेरा ये जीवन किया, ना लू टेंशन कर लू एक्शन, तेरे ही नाम लेके हर मुश्किल से लड़ा। पिछले साल तुम्हारे दो साथी मारे गए और अभी तक मारने वाले अरेस्ट नहीं हुए, और होशियारी करने वाले सुनामी में बह गए। सागर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुझे मारकर तुम लोग भी नहीं बच सकते, ऊपर भगवान देख रहा है। अरे बेवकूफ, भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है। शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते, और सुन, शिकार शेर को मारना चाहता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेता है। तुम भी शिकार बन सकते हो, और मैं हमेशा शिकारी ही रहूं। हैप्पी जर्नी टू माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। Okay. नमस्ते एसीपी साहब, मेरा नाम पप्पू है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। hey, क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसर है। उसकी लाइफ में आपकी बेटी गई, इसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। और ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है, मैंने उसे देखा नहीं। अभी आ गई है भाई। आई, उसकी आइटम ये है क्या? देखो एसीपी, तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून, और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी। तुम्हारी बातों से दो बातें मेरी समझ में आ गई। पहली, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार कर ली है। दूसरी, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए? डीजीपी। डीजीपी, पहले शादी की डेट फिक्स करिए। एसीपी के बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। अरे पप्पू, एंगेजमेंट और संगीत का
मनमोहक खेल मैंने बहुत खेला है पप्पू। अगर लड़की की मर्जी के बिना तुमने शादी की तो तुम एक जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे। मंडप में जाने वाला पप्पू उसका इतिहास में अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आऊँ? जरूरत नहीं दादा, मैं खुद संभालूंगा। जानते हो तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। पिताजी आपको पता है क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो गौतम? अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ नंदिनी? मेरे डैडी ने पप्पू से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तुम्हारे डैड है कहाँ? तुम मुझे डीजीपी बनाने वाले हो? मुझे डीजीपी बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है। सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इजी सॉल्यूशंस होते हैं, वो तो हम हैं जो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है। और कॉन्फिडेंस? लेकिन मुझे पप्पू पर कॉन्फिडेंस है, पता है क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है। भले ही वो गलत रास्ता अपनाए, लेकिन वो मुझे डीजीपी जरूर बना देंगे। अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए। अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहे हो। तुम चाहते क्या हो? मैं इस उम्र में दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर करूं? और अगर उन्होंने मेरा एनकाउंटर कर दिया तो? मैच चाहे कोई भी जीते, कप सिर्फ कैप्टन को ही देते। समझा नहीं? बहुत सिंपल है सर, आप अपनी गन मुझे दे दीजिए, दादा और उसके गैंग की लिस्ट दे दीजिए, एक एक करके उनका इनकाउंटर करूंगा और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दीजिए कि आपने किया है। ओ, बन जाऊंगा डीजीपी, जरूर बन जाऊंगा डीजीपी। गो 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 है। देखा सर, ये आदमी नहीं मिसाइल है, देखना ये कैसा धमाका करेगा। क्यूरी, आज बहुत खुश लग रही हो। एंगेजमेंट होने वाली है ना, और देखना गौतम ऐसा होने नहीं देगा। गौतम? क्या हुआ चाचा? नंदिनी के डिजाइन किए हुए फोटो फ्रेम में फोटो या तो इस गौतम की होनी चाहिए या फिर इस गौतम की। ये बीच में लंगूर कौन है? जो भी हो, इस एंगेजमेंट को रोकना होगा। चलो। Thank you.
पता था गौतम, मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तुम कोई भी रिस्क ले सकते हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अरे 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 अरे, ये बताओ आखिर हो क्या रहा है? ब्रेक के बाद बताता हूं। तो बता दे ये सब हो क्या रहा है भाई? इस सब के लिए मैंने नंदिनी के डायर को कंसल्ट किया था। मतलब प्यार के लिए तुम मर्डर करोगे? मतलब उसे डीजीपी बनाने के लिए क्रिमिनल्स को मार दोगे? ससुर जी ने लिस्ट दी है चाचा, अब उस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया, ये एक एक को टपकाएगा, सबको लगेगा एसीपी ने मारा है और इस तरह एसीपी को प्रमोशन मिल जाएगा, फिर ये नंदिनी से शादी कर लेगा। आपका होने वाला दामाद शेर है सर, बिल्कुल शेर की तरह उसने शिकार किया है, लेकिन जो भी हो ये आपके अकाउंट में डाल दो। मैं सर, दादा के आदमियों को मारने का क्रेडिट मेरे अकाउंट में डालूंगा तो एक दिन दादा मुझे ही टपकाएगा। गौतम के हाथों जब दादा आखिर में मारा जाएगा तब हम बताएंगे ये एनकाउंटर मैंने किया था। किसकी हिम्मत है? भगवान इसे नीचे करो। भगवान दुबे मेरी बीवी ने ऑलरेडी सटा दिया था, इधर तुम मुझे टपका दोगे उधर उसका सिंदूर धुल जाएगा। मुझे सही में नहीं पता, एक मारने वाला बता सकता है, दूसरा जिसने देखा वो बता सकता है, और तीसरा मरने वाला बता सकता है। मरने वाला बताएगा और फिर मारने वाले को हम मारेगा। दादा का बेटा है मैं। ये बच्चों के लिए तो भाई है लेकिन भाइयों के सामने बच्चा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। फिर कब मिलोगे डार्लिंग? जाओ जाके तुम अपनी पसंद की साड़ी खरीदो। कहाँ है मेरा प्यारा भतीजा जिसकी शादी होने वाली है? आप पहली वाली शादी में नहीं आए और अभी इस शादी के लिए आए हैं? ये दो दो शादियों क्या बात कर रहे हो? दोनों का अब सिर्फ फ्लैशबैक ही रह गया। आप सब बताओ क्या हुआ है? वो देखिए, आखिर तेरी शादी का प्रॉब्लम क्या है? चाचा शादी करना मेरा सपना है। तुम तो हमारे खानदान के चिराग हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पिताजी की शादी हुई थी, तेरे पिताजी और माँ की शादी ठीक ठाक हुई थी, और तेरे दादाजी नानाजी ने मिलकर बातचीत की और तुम्हारे पिताजी की शादी तुम्हारे माँ से हो गई। बहुत मेहनत करने के बाद में तुम पैदा हुए थे, और मेरे शादी की बात करने से पहले ही मेरे पिता की मौत हो गई थी। हमारे खानदान में शादी नहीं हो सकती है, लड़की पसंद है उसका इस्तेमाल करो, भूल जाओ। बाहर ऑटो में एक मस्त आइटम है, भेज दूं क्या? चाचा आप भी ना। समझ गया, मेरा ही भतीजा। ए, तुम लोग इधर क्यों आए? दुश्मनों के साथ दोस्ती करना मेरा परम सिद्धांत है। मेरा भी यही सिद्धांत है, सेम टू सेम। तो हम चले? हाँ चलो। ओके। एंगेजमेंट रुक गई ना बेटा? वो बब्बर शेर मारा गया ना। हाँ। मुझे लगता है बब्बर की मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। तुम्हारी ये ड्रामा बाजी बंद करो, बब्बर को तुम नहीं मारा है, मुझे पता है। सही कहा, मैंने ही मारा। जो मुंह में आए बकते हो, मेरी उतनी हिम्मत कहाँ कि मैं बब्बर को मारूं? उससे तो अच्छा मैं नंदिनी को ही मार देता। कुछ भी बोलते हो, पहले पता लगाओ उसे किसने मारा है। भैया आपके नाम से डीवीडी आई है। जिहाद जिहाद जिहाद। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारी एंगेजमेंट हमने ही रुकवाई है। मेरी शादी और अलकायदा का क्या संबंध? इधर पूछो, भारत के टॉप 10 टेररिस्ट के लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम आया है? सुन रहे हो गौतम, टेररिस्ट भी इसके पीछे लगे हुए हैं। आजकल इनकी बहुत चल रही है चाचा। तुम्हारा थोबड़ा देखने के बाद बिन लादेन की याद आती है। ऐसे क्या दिख रहा है भाई?
क्या बताऊं आपको, आपकी आइटम से तो वो बिन लादन की आइटम कई गुना अच्छी है। अलकायदा हो या और कोई, आज से 30 दिन के बाद मेरी शादी होगी। स्ट्रॉन्ग मुहूर्त निकालो, उस दिन आ जाना। बाप रे, 30 दिन है। मुझे ऐसा लगता है चाचा कि तब तक ये होने वाली दुल्हन को बहुत टॉर्चर करेंगे, न जाने क्या होगा। चलो हमारी जान तो बच गई। तब तक हम क्या करेंगे? कर लेंगे कुछ ना कुछ, बैंकॉक जाकर एंजॉय करते हैं। चलिए भाई, भाई उन्हें रोके ना भाई, भाई अपनी आँखों से टॉर्चर देखने दो ना। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नंदिनी को आने दो। ये लोग नंदिनी के नाम पे हमें जमकर मार खिलाएंगे। तुमको कोई नहीं मार सकता, तुमको मारने से पहले इन लोगों को चंद्रमा पर फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। I am Dr. Leposol, FRCS, returned from London, retina specialist. Who are you? I am दादा का बेटा। किसका दादा रे? दादा को नहीं जानता तू? नहीं। गन का दादा। What can I do for you? एक आदमी का मरने के बाद में उसका कौन सा पार्ट कितना देर जिंदा रहता है, ये बात तुम मेरे को बताओ। बॉडी तो मर जाती है लेकिन हार्ट थोड़ी देर काम करता है, स्किन 7 दिन तक जिंदा रहती है, ब्रेन 3 घंटे तक काम करता है और आंखें 6 घंटे काम करती है, और बाकी के पार्ट्स के बारे में I don't know। Oh, I see. Where you see? Eyes. 6 hours. तो इसको जिसने भी मारा होगा तो इसका आंख में उसका इमेज होगा। हाँ, नेचुरली। हाँ, तो उसका इमेज हमको चाहिए। हैवी बॉडी, यू सी, इसकी आंखें जड़ से निकाल कर रेटिना अलग करके कैमरे की तरह इमेज निकाल कर उसके बाद उसे प्रिंट करके। प्रोसेस मत बताओ हमको, हमको रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट। अब 4 दिन वेट कीजिए। वेट करने का टाइम नहीं है मेरे सर। गन से बुलेट निकालना इजी है सर, लेकिन रेटिना से इमेज निकालने के लिए कम से कम 4 दिन लगेंगे। आप वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए। ए रुको। सुनो, पप्पू तो स्ट्रॉन्ग मुहूर्त निकालने के लिए कहकर कहीं चला गया, अब हम क्या करें? मुहूर्त को आगे बढ़ा देते हैं। वो कैसे? ऐसे। नंदिनी की एंट्री। भैया भाभी आ गई है। मेरे घर आई हो? लेंस के अंदर से देखा तो मुझे वो दिखाई दिया। कैमरा क्लिक करने के बाद पता चला वो आदमी ये है। लेकिन फोटो का प्रिंट तो तुम्हारे साथ ही होगा ना? मेरे दिल का फोटो तो इसने खींच लिया। लेकिन एल्बम तुम बनाओगे, इसलिए शादी थोड़ी पोस्टपोन कर दो ना। अरे क्या बात कर रही हो नंदिनी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है? जब चाहे बदल ली, ये शादी है वो भी स्ट्रॉन्ग मुहूर्त में। आपने शादी की प्लानिंग तो कर ली होगी ना? प्लानिंग इसकी है तुम्हारी? ये मेरे होने वाली पत्नी है, मुझे पता है क्या करना है। भाभी को अंदर ले जाओ। ओके भाई। नमस्ते भाभी, आइए। भाभी आ गई है, अब आगे बहुत बड़ा कांड होगा। कंट्रोल से बाहर हो गया है। अरे ये सब गलत है भाई। नंदनी। ये क्या है नंदनी? रात को तुम मेरे सपने में आए थे पप्पू। कितना क्यूट सपना था पता है? बहुत हैंडसम लग रहे थे। नहाने के बाद मैं अच्छी तरह से लिपस्टिक लगाकर तुम्हें किस करने आई थी, और कॉरिडोर में ये था। आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। कहानी बना रही है। अफसोस मत करो, रात को सपने में मैं आया था, नहाते वक्त भी मैं ही तुम्हारे मन में था, लिपस्टिक लगाते वक्त तुमने मुझे किस किया? आज तुमने ही किया, लेकिन आगे का जो मैटर हुआ उसमें तुम थे क्या? सॉरी पप्पू, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरी पहली गलती को माफ कर दो ना। ऐसी गलतियां करती रहेगी और हर गलती के बाद बोलेगी फर्स्ट टाइम है। चोचो। ओके। वो तो नादान है, तुम तो समझदार हो। अरे उसने मुझे अचानक से पकड़ लिया, उसे लगा मैं पप्पू हूँ, तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? देखो पप्पू, उसने प्यार के पागलपन में मुझे पकड़ा, ये देखकर तुम पागल हो गए। ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम
तुम जल्दी से शादी की तारीख फिक्स कर दो, फिर मैं आराम से बैंकॉक जा सकता हूँ। तू चलेगा मेरे साथ? हाँ भाई, मैं भी चलूंगा। Yes, that's a wonderful thought. शादी का डेट पोस्टपोन कर दो पप्पू। Hey, ये खबर सुनकर सब चौंक जाएंगे। भगवान, हैदराबाद से पप्पू का फोन है। बोलो। दादा, मैं शादी कर रहा हूँ। अबे वो शादी का पागल, इधर मर्डर हो गया और तुमसे शादी की पड़ी है। शादी रोक, देर दिमाग। अगर किसी को दिमाग है तो मेरे छोटू को है। पता उसने तुम्हारे शहर में क्या किया? छोटू इसी शहर में है, लेकिन कहाँ? शहर के बाहर पहाड़ी इलाके में है। सुनो, मेरी शादी उससे होकर रहेगी, और शादी के बाद दादा के बेटे को भी देख लूंगा। hey, ब्रदर, यहां छुप कर बैठे हो? आखिर हमने तुम्हें ढूंढ कर निकाल ही लिया। देखो, तुम्हारा शिकार करने शेर आया है। राधा का बेटा हूं मैं, कौन है आप? तेरा बाप? कौन है आप? अरे क्यों बे, हमें नहीं पहचाना? हम शेर हैं। मांगल्य गौरी देवताये नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, आसनार्थे क्षदां समर्पयामि, सुवर्ण नवरत्न खचित सिंहासनं समर्पयामि। ओम। छोटू, वाह, कर लो शादी, कर लो। बब्बर मर गया ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पहले शादी कर लेने दो प्लीज। मुझे भी मार दो, फिर शादी कर लो। शादी मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, माय एम, माय लाइफ्स एम्बिशन छोटू, प्लीज। हमारा लाइफ जाने वाली थी और तुम लाइफ का एम्बिशन की बात कर रहा है? छोटू, क्या कर रहे छोटू? बस करो छोटू, छोटू बताओ क्या हुआ? छोटू, एक शेर है और एक उसका साथी है, दोनों को मारो, दोनों को मारो। उस शेर और उसका साथी को मारने के बाद तुम्हारा शादी होगा। सलमान खान और उसकी शादी होते होते रुक जाती है। अरे भतीजे, मैंने कहा था ना, हमारे खानदान में शादी हो ही नहीं सकती है। पसंद आई ना, यूज करो, भूल जाओ। बहुत सारी आइटम लाइन में खड़ी है, भेज दूं क्या? ये छोटू, ये दोनों सुपरस्टार तो नहीं हो सकते। याद करो उनके बारे में, कुछ याद आया तुम्हें? बताओ। हाँ, टैटू था उसका हाथ में। टैटू था। टैटू में क्या लिखा था? चुप रह तू, हम कोलकाता से आया है, वो जिस भाषा में लिखा था मेरे को समझ में नहीं आया। बच गए। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं? सर, मेरा अंदाजा सही था, वो टैटू वाला यही कहीं होगा। इधर है, किधर है? आतिका अपना, देखो देखो देखो, देखिए सर टैटू। क्या देखेगा रे, टैटू किधर है? ये वो हाथ नहीं है सर, एक और भी हाथ है। हेलो हेलो हेलो, रुको हेलो। हाँ, अरे रुको, जागा रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम यहाँ कहाँ? ए ए, दिखा अपना हाथ, दिखा जल्दी अपना हाथ, दिखा बुलाना। अरे दिखा नहीं रहा है सर, मुझे क्यों मारा? अरे इसको देखो, चींटी का जैसा दिखता है ये, मेरे को मारेगा? दादा का बेटा है हम। मैं क्या लगा मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा? हिम्मत है तो शूट करो, देखो ठीक से टैटू है क्या? देखो ध्यान से इधर, टैटू है। चलो यहाँ से। सॉरी सर, चाचा थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए।
फ्रस्ट्रेशन नहीं मेरे भाई, फायर इंजन से फायर निकलने वाला था। अच्छा, फायर इंजन में फायर नहीं, वाटर होता है। आपको ना ज्यादा टेंशन हो गई है, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर लैपोस कॉल, किधर है इमेज, किधर है? हाँ मैंने इमेज निकाल ली। सुनो उधर किसकी इमेज गई है, मेरी या तुम्हारी? ये तो स्टार है। सही कहा तुमने, हम बोला था ना हमको मारने वाला कोई छोटा मोटा शेर नहीं था, बब्बर शेर था वो। शेर है, शेर। तुमको इसी आदमी ने मारा और रेटिना में भी इसकी इमेज है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। गौतम ये इतफाक कैसे हो सकता है? आजकल बड़े लोग मरने के बाद वापस आते हैं, माइकल जैक्सन वापस आ गया था तो शायद ये भी आ गए होंगे। वाह, बात तो पते की कर रहा है, मेरा डाउट तो क्लियर हो गया है। ये कैसे हुआ, इमेज कैसे बदल दी तुमने? उस इमेज को इस इमेज से रिप्लेस कीजिए। वो आदमी गन दिखाकर कहता है कि इमेज बनाओ और तुम कहते हो कि इमेज बदल दो, उसने गन चला दी तो मेरी इमेज निकल जाएगी। मैं डॉक्टर लेपस कॉल हूँ, ऐसा नहीं करूंगा। तुम ऐसा ही करोगे? नहीं बदलूंगा। सर खुजा दो, डैंड्रफ है। बदलोगे? अब बदलोगे? नहीं बदलूंगा। बदलोगे? बदलूंगा। सुनाई नहीं दिया? मैं बदलूंगा। क्या ब्रेन है यार, इमेजिनेशन से कहीं ऊपर। बापरे, उसकी गन से बाल बाल बच गया। हमारे छोटू साहब का पागलपन देखकर मेरा बीपी हाई हो गया है, हमें कैसे भी करके उनके पागलपन से बचाइए डॉक्टर। उनसे कहो कि वो दोनों सुपरस्टार की फिल्मों को ना देखें और उनसे कहो कि वो गन का इस्तेमाल भी ना करें। लेकिन उन्होंने घर हाथ में लिया तो लेना। और फिर तेरे बाप को बुलाया, चाचा को बुला, अपने बकवास बंद कर, कहां कहां से आ जाते हैं। नमस्ते सर। क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे हार्ट में होल है, किडनी में होल है? ऐसा कुछ नहीं सर, टैटू प्रॉब्लम है, इस टैटू की वजह से मेरी जान जा सकती है सर। ₹6,00,000 लगेंगे। लेकिन उसका तो ₹500 में कर दिया था। अरे बेवकूफ, वो यंग ब्लड था, उसका खून गर्म था इसलिए जल्दी हो गया। तो फिर मैं क्या करूं सर? गॉड को प्रे करो, अगर गॉड ने चाहा तो। डॉक्टर साहब मुझे मंजूर है, मैं ₹6,00,000 आपको देता हूं। वेरी गुड, थैंक यू सर। बब्बर को तुमने तुरंत मार दिया, लेकिन उस छोटू को वेटिंग लिस्ट में क्यों रखा है? बेटे को मारते ही दादा अलर्ट होकर भाग जाएगा, अगर उसे यही टॉर्चर करेंगे तो दादा अपने आप बिल से बाहर निकल आएगा। मेरा कॉल नहीं उठा रहा है पप्पू, तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, छोटू का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ है, समथिंग इज रॉन्ग। पप्पू के एंगेजमेंट के समय से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, जरूर दोनों में कोई लिंक है, हमारा नेटवर्क कोई हैक कर रहा है। ऐसा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? हमारा कोई दुश्मन जरूर है, हो सकता है वही दुश्मन ये सब कुछ कर रहा हो। पहले बब्बर को मारा, फिर छोटू को मारने की कोशिश की, मतलब अभी उसके हिस्से का काम बाकी है। उस पप्पू को फोन करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं उससे निपटूंगा, मैं शेर का शिकार करके उसकी डेड बॉडी से आपका वेलकम करूंगा। तेरा बाप आया है, तेरा बाप। देखो लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। डॉक्टर कहाँ है? अरे लेट जा। तेरे बाप को बुला यहाँ पे, समझा, तेरे बाप को बुला ले जल्दी बुला ले। मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मेरी शादी नहीं होगी क्या? वो गौतम, वो दोनों ने क्या बोलते हैं, सुपरस्टार्स, जिहादी लोग, लगता है इस जन्म में मेरी शादी नहीं होने वाली। पप्पू, चाचा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। दिमाग का दही मत करो, पापा को बुलाओ, चाचा को बुलाओ, पूरी दुनिया को बुलाओ।
मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरी शादी नहीं हो सकती, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे शादी। भाई भाई रुक जा भाई, अरे भाई, अरे भाई भाई, क्या हुआ यार, इस तरह मुंह में उंगली डाल के सोच रहा है? अरे तेरा कॉम्पिटिटर मैदान छोड़कर भाग गया है। सुन, अब उसे शादी नहीं करनी, अब तेरी लाइन क्लियर है। वो बात नहीं है, मैं उस डील के बारे में सोच रहा था। ओ, अभी तक वो डील नहीं हुई है, तो फिर से शादी करने के लिए मन में चाहत के बीज बोने होंगे। इस ट्विस्ट में, इस लिंक में, इस प्रॉब्लम में, सब तो तुमने क्लियर कर दिया यार। यस। अरे बताना यार, हंस क्यों रहा है मेरे भाई, बता दे। अब तेरा अगला कदम क्या होगा? अपना काम हो गया चाचा। कैसे? वहां देखो। लुंगी पहनने वाले को सुबह सूरज निकलने से लेकर रात को चांद निकलने तक पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। पहले उस प्रॉब्लम वाले लुंगी को लेकर आ गया। ये क्या हो रहा है? बाबा मौका लिए बिना कुंडली नहीं देखते। इस लुंगी में वो योग नहीं है। कैसा योग नहीं है? शादी का योग नहीं है। मुझमें शादी की सारी क्वालिफिकेशंस है। बैटरी में चार्जिंग नहीं है तो आईफोन लो या चाइना फोन लो, क्या फर्क पड़ता है? इस लुंगी से जिस लुंगी को प्रॉब्लम है उस लुंगी को लेकर आओ। इस लुंगी में पावर ज्यादा है, तेवर ज्यादा है और लाइट ज्यादा है। इस लुंगी के साथ तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। दुनिया में औरतों के लिए बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, अब उस औरत लुंगी को लेकर आओ। लुंगी के बारे में तुम्हें बड़ी अच्छी जानकारी है। मैंने जो लुंगी पहनी है ना, उसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये लुंगी तो आउटडेटेड हो गया है रे, ये तो सूख गया है। रस्सी पर लटकाने के सिवा इसका कोई काम नहीं है। इस लुंगी का राम नाम जपना ही अच्छा रहेगा। बाबा, बाबा, पप्पू बहुत दुखी है। इसकी शादी का योग है या नहीं बताइए। है ना, अगर ये साथ मरे हुए लुंगी का नाम ले लेगा तो इसकी लुंगी का काम हो जाएगा। नंबर वन, माय फादर। नंबर टू, भाई के पिताजी। नंबर थ्री, मेरे पिताजी। नंबर फोर, बब्बर। बाकी के बचे हुए तीन लुंगी ऊपर जाएंगे तभी इसकी शादी हो सकती है। पापा को बुलाओ, चाचा को बुलाओ। बाबा, मेरी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से दादा की लाइफ को रिस्क नहीं होना चाहिए। देखो पप्पू, पहले उन लोगों को यहाँ बुलाओ, लाख लुंगी की दुआओं के साथ मैं उन्हें बचाऊंगा, फिर तुम्हारी शादी होगी। ये सब देखकर तो मुझे डर लग रहा है बाबा। पहले इस लुंगी का भय भगाना होगा। मेरी सबसे परम भक्त रंजीता लुंगी को बुलाओ। किसको भेज रहा था?
बब्बर को मारा, छोटू को टॉर्चर किया और तुझे भी खत्म करने वाला हूं मैं। हैप्पी जर्नी। करता है तो उसे सजा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो हाथ पैर तोड़ सकते हैं, पर जान से मार देना समझ में नहीं आया, उसके क्या जरूरत थी? प्यार के लिए पिताजी। एक लड़की के प्यार के लिए? सिर्फ एक लड़की के प्यार के लिए किसी को मार डालोगे? हाँ मार डालूंगा, मैं प्यार के लिए मार डालूंगा, लेकिन उस लड़की के प्यार के लिए नहीं, मेरे छोटे भाई अजय के लिए, मेरी मां के प्यार के लिए। टेंडर के लिए मैं शहर गया था, फिर अजय का चेस कॉम्पिटिशन देखने के लिए कोलकाता गया था। आपको सुनाई दे रहा है क्या? अरे अजय, अजय। हेलो, हेलो। फाइनली दिस ईयर नेशनल चैंपियनशिप गोज़ टू मास्टर अजय। Happy journey, my friend. तेरा नाम क्या है बेटा? अजय। ओह, कहाँ से आए हो? हैदराबाद। ओह, मैंने पहला मर्डर वहीं किया था। नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप। मुझे भी चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? उसमें मारना पड़ता है ना। गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत बोलो। तुम्हारे टीचर ने सिखाया नहीं क्या? मेरे भैया कहते हैं गलत मत देखो, गलत होने मत दो, और गलती करने वाले को मत छोड़ो। ये सब रोकोगे कैसे? पुलिस को बताऊंगा। गुड गुड, तेरे भैया ने सही कहा, लेकिन न्याय हर किसी को नहीं मिलता है। पापा, अब मैं वेट नहीं कर सकता। अजय!
क्या बेटा? कौन हो तुम लोग? अजय, अजय, ये क्या कर दिया? क्राइम स्पॉट पर गवाह नहीं होने चाहिए। हम अपना काम कर रहे थे, ये बीच में आ गया, इसीलिए मार। तो क्या मासूम बच्चा को मारोगे? जानवर हो क्या? इसने मारते हुए हमें देख लिया था, इसीलिए ये मारा गया। अब तुमने इसे मारते हुए देख लिया, इसीलिए तुम भी। जानवर में कोई फर्क नहीं दिखता उन्हें। इंसान को इस तरह मारने का उन्हें कोई हक नहीं है गौतम। उन्हें मार डालो। माँ ने कहा उन लोगों को मार दो, क्या यह गलत है? लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। कोई सुराग ढूंढने के लिए मैं फिर से उसी जगह गया। वहां मुझे अजय का फोन मिला। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो से सारी बात साफ हो गई। वो लोग कौन है, कहां मिलेंगे, ये ढूंढने के लिए मैंने पूरा कोलकाता शहर छान मारा। जिनको भी उनके बारे में पूछता था वो एक ही जवाब देते थे कि हमें नहीं पता। पता चला कि मेरे टारगेट का नाम दादा है, पर उसे आसान मौत नहीं दूंगा, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। और फिर मैंने पता लगाया कि दादा के हैदराबाद लिंक का नाम पप्पू है। और उसे ढूंढने में मैंने मेरे प्यार की मदद ली। मैंने नंदिनी के डैड से मुलाकात की। उन्हें लगता है ये मैं प्यार के लिए कर रहा हूं, मगर मैं अपना बदला पूरा कर रहा हूं। उसके बाद मैं शिकार पर निकला। इतना कुछ हो गया, लेकिन एक बात भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई। बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा आपको ना बताना ही अच्छा होगा। मुझे लगा अगर मैंने आपको बता दिया तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। Thank you.
बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपा कर रखी? क्यों? सिर्फ इसलिए कि टेंशन में मुझे कुछ ना हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है जी। पागल औरत, जब तक तुम जिंदा हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता मुझे, कुछ नहीं होना। अजय, वो अभी मरा नहीं है, इंतजार कर रहा है कि उसका भाई उसके हथियारों से बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। वो मरा नहीं है अभी, वो अभी नहीं मरा है। गलत मत देखो, गलत मत सुनो और गलत मत बोलो, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गलत होते हुए चुप मत रहो, ऐसा गौतम ने कहा। मुझे मारने की काफी कोशिश कर रहे हो, मेरे राइट हैंड को मारा, मेरे भाई को मारा और मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो। मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ उसे तुम क्लोज करते हो, तुमने इस दादा से पंगा लिया। मुझे कैसे पता चला? सोच के कंफ्यूज हो रहे हो ना? मुझे सब पता चल गया। क्या मस्त गेम खेला तुमने, अब मैं भी खेलूंगा तुम्हारी प्रेमिका के साथ। उसकी जान जाएगी या नहीं? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, टाइम नहीं है, गेम स्टार्ट्स नाउ। तू ये आओ आओ कहकर मुझे नहीं बुला रहा है, अपनी मौत को ललकार रहा। तुझे जो हथियार पसंद है वो लेकर तैयार रहना, चाकू तलवार बंदूक जो चाहे रख ले, अब मौत तेरी तरफ आ रही है, तू रोक सके तो रोक कर दिखा। आज चाहे तुझे भगवान भी पनाह दे दे पर तेरी मौत नहीं टलने वाली। नंदिनी, तुम्हारा प्रेमी हमारा पैर के नीचे है, अब फोटो लो।
Hey!